भातखावा टीजी प्राइमरी स्कूल जिला अलीपुर द्वार पश्चिम बंगाल में 75 विद्यार्थियों को स्कूल यूनिफॉर्म नहीं दिया गया था। ये विद्यार्थी 7 महीना तक बिना यूनिफॉर्म के जाते थे। अभी मेरा लड़की पढ़ रहा है फोर्थ क्लास में, बीते साल तक कपड़ा मिल गया है, इस साल का कपड़ा नहीं मिला है। लड़की को बहुत असुविधा चल रहा है। जो कपड़ा दिए थे आप जो वो तो फट गया है, अभी असुविधा चल रहा है। क्या चाहते हैं आप? जल्द से जल्द लड़की को कपड़ा देना चाहिए। ये इशू वीडियो में अक्टूबर महीना 2015 में बनाया था। इसके 3 महीने के बाद बच्चों को स्कूल ड्रेस बांटा गया। ये सब विद्यार्थी मुख्यतः चा बागान वर्कर के बेटा बेटी हैं। अक्टूबर महीना 2015 में मुझे ग्रामवासियों से शिकायत मिली कि इस प्राइमरी स्कूल में ड्रेस बांटा नहीं जा रहा है। मैं स्कूल में स्कूल का हेडमास्टर सुदर्शन कुमार राय के साथ बात किया। उन्होंने बताया समस्या तो है, ये समस्या को जल्द ही समाधान करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद मैंने विलेज एजुकेशन कमेटी के सदस्य लोकल पंचायत मेंबर लखन नाग के साथ मिलकर उसको भी इस हाल से अवगत कराया। मेरे दो बच्चे प्राइमरी स्कूल में पढ़ते हैं, उनको बीते साल कपड़ा नहीं मिला था, लेकिन हरिहर नागबंशी ने मेरा वीडियो बनाया, पंचायत में चित्र दिखाया, मैं भी गया था वहाँ पर। सुबह दिखाने के बाद में मेरे दोनों बच्चों के लिए प्रत्येक बच्चे गरीब बच्चों के लिए कपड़ा। वीडियो वॉलंटियर मिस्टर हरिहर नागबंशी को धन्यवाद देता हूँ जो इस मुद्दा को लेकर एक वीडियो बनाया और गार्जियन वगैरह सबको दिखा के मैंने एहसास दिलाया कि ये सब जरूरी है। इसलिए मैं उसको तहे दिल से धन्यवाद जनाना चाहता हूँ। इसी तरह का आगे भी समस्या व कार्य करते रहिए। धन्यवाद। जो जो बच्चा मेजरमेंट दिया गया है लिया गया था, उन बच्चों का सभी को ड्रेस दे दिया गया। वीडियो वॉलंटियर की तत्परता तथा समुदाय की अगुवाई से विद्यार्थियों को उनका अधिकार मिला। इसलिए मैं हरिहर नागबंशी मेरा तरफ से और वीडियो वॉलंटियर की तरफ से हेडमास्टर श्रीमान सुदर्शन कुमार राय तथा विलेज एजुकेशन के कमेटी के मेंबर श्रीमान लखन नाग को बधाई देना चाहता हूं। और मैं हरिहर नागबंशी जिला अलीपुर द्वार पश्चिम बंगाल से इंडिया अनहट के लिए।